एक भिखारी था, वह भीख मांगा करता था। रेलवे स्टेशन पर हर रोज आता था और एक ट्रेन में बैठकर दूसरे रेलवे स्टेशन पर चला जाता था। एक दिन उसको एक बिजनेसमैन मिला। उसके दिमाग में ख्याल आया कि हो सकता है ये मुझे ज्यादा पैसे दे, मैं क्यों ना इसे भीख मांगूं। जब वह बिजनेसमैन के पास भीख मांगने के लिए गया तो उसने उसको भगा दिया और जाते हुए कहा, कितने बेवकूफ आदमी हो तुम, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास मेरे को देने के लिए क्या है। जब तुम किसी दूसरे को कुछ नहीं दे सकते तो मांगना छोड़ दो। घर आने के बाद वह भिखारी सोचने लगा कि मैं क्या दे सकता हूँ लोगों को। तभी उसके दिमाग में ख्याल आया, क्यों न मैं आगे से लोगों को एक फूल दूंगा। जब भी मैं लोगों से भीख मांगता तो बदले में उनको एक फूल दे देता। लोग सोचते, ये भी भिखारी कितना अच्छा है, पहली बार इस तरीके का भिखारी देखने को मिला है जो बदले में फूल देता है। अब दूसरी बार वही बिजनेसमैन उसको मिला और उसने उसके भीख मांगी, तो इस बार उस बिजनेसमैन ने उसको पैसे दिए और बदले में एक फूल ले लिया। अब बिजनेसमैन ने ये कहा, हाँ अब मैं तुमसे ये कह सकता हूँ कि तुम एक सच्चे बिजनेसमैन हो, क्योंकि जब तक तुम दूसरे को नहीं दे सकते तब तक दूसरों से मांगना छोड़ दो। तो दोस्तों, वे भिखारी रेलवे स्टेशन के बाहर आया और जोर से चिल्लाया कि मैं भी बिजनेसमैन बनके दिखाऊंगा, और सभी लोग उस पर हंसने लगे। 6 महीने तक भिखारी वहां पर दिखा नहीं, और अगली बार जब वह वापस ट्रेन में आया तो उस व्यक्ति से उसकी वापस मुलाकात हुई, और इस बार वह दोनों व्यक्ति सूट बूट में थे। तीसरी बार जब वह भिखारी उससे मिला तो उसने बिजनेसमैन को कहा, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। तो बिजनेसमैन ने कहा, नहीं, पहली बार जब मैं भीख मांगता था, दूसरी बार जब मैं आपसे मिला था और मैंने आपको फूल दिया था, बदले में मैं आपसे पैसे लिए थे, और आज मैं आपके बराबर बात कर रहा हूँ और मेरा फूलों का बहुत बड़ा बिजनेस है। तो दोस्तों, अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो खुद को बदलने के लिए सिर्फ एक विचार ही पर्याप्त है। एक विचार आपकी जिंदगी में रौनक ला सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक जिंदगी में दूसरों को नहीं दे सकते तो किसी से मांगने की उम्मीद मत रखो। और दोस्तों, किसी से मांगते हो तो बदले में उसको भी कुछ दो। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।